हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियर के फील्ड ज्ञान में आज आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंक्रीट स्ट्रक्चर अपन कास्ट करते हैं उससे पहले उसमें फॉर्म वर्क लगाना पड़ता है, स्टेजिंग लगानी पड़ती है। लेकिन उस फॉर्म वर्क को, उस स्टेजिंग को कब रिमूव करना चाहिए ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। पास में बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कोई भी अपन स्ट्रक्चर कास्ट करते हैं, कॉन्क्रीटिंग करनी होती है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, फॉर्मवर्क लगाते हैं, स्टेजिंग लगाते हैं, ठीक है। लेकिन उस फॉर्मवर्क को या स्टेजिंग को कब रिमूव करना चाहिए या कब हटाना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसको टाइम के से पहले अगर रिमूव कर दिया तो वो स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है, नीचे आ सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई भी स्ट्रक्चर को कास्ट करने के बाद में कितने टाइम बाद में उसको फॉर्मवर्क को रिमूव करना है, कितने टाइम बाद उसकी प्रॉप्स या जो स्टेजिंग होती है उसको रिमूव करना है। तो उसके लिए मैं आपको टेबल फॉर्म में समझा रहा हूँ और उसमें भी आपको तीन टाइप के जो सीमेंट अपन जनरली यूज करते हैं, लो एड सीमेंट, ओपीसी सीमेंट और पीपीसी सीमेंट अगर यूज की हुई है तो उस फॉर्मवर्क को कब कब रिमूव करना चाहिए उसके लिए टेबल है, बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, आप उसको नोट कर लीजिए और ये आपके एग्जाम में भी आ सकती है और जब आप फील्ड में जाएंगे तो फील्ड में भी आपको इस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि ऐसे सिविल इंजीनियर आपको अगर इसमें अगर आपने थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दी तो पूरा स्ट्रक्चर नीचे आ सकता है, सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो सकती है, आप पे ये इल्जाम आ सकता है। तो इस चीज का स्पेशल ध्यान रखा जाए कि फॉर्मवर्क को कब रिमूव करना चाहिए। तो ये देखिए, इसमें एक क्वेश्चन भी आ सकता है जैसे व्हेन वी रिमूव फॉर्मवर्क, फॉर्मवर्क आपको पता है सेंटरिंग हो गया, सेटरिंग हो गया एंड स्टेजिंग जिसके प्रॉप जैक्स वगैरह हो गया, तो इसको कब रिमूव करना चाहिए ये टेबल है। अब देखिए इसको तीन, मैंने लोएड सीमेंट हो गया, ओपीसी और पीपीसी सीमेंट, अगर इनमें से कोई भी सीमेंट यूज की भी हो तो उसको कब कब रिमूव करेंगे। तो पहला है अगर वॉल कॉलम्स वर्टिकल साइड्स और बीम एंड स्लैब, तो ये क्या हो गया, ये हो गया शटरिंग, मतलब वर्टिकल मेंबर्स जो होते हैं, अगर वर्टिकल मेंबर्स में को रिमूव करना हो तो कब करना चाहिए, अगर सीमेंट लो सीमेंट है तो 3 दिन के बाद उसको रिमूव करना चाहिए, अगर ओपीसी सीमेंट है तो 24 to 40 आवर के 24 या 48 घंटे के बाद इसको रिमूव किया जा सकता है, वो भी इंजीनियर इंचार्ज के परमिशन के बाद। जैसे आप इंजीनियर इंचार्ज अगर बनते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए या आप उनको डायरेक्ट करेंगे कि हाँ भाई ये इतना टाइम बाद आप उसको रिमूव कर सकते हैं, और अगर पीपीसी सीमेंट है तो 3 डेज के बाद इसको रिमूव करना है। अगर स्लैब है, स्लैब के अंदर देखिए, स्लैब के अंदर अपन क्या कहते हैं, बॉटम होता है हॉरिजॉन्टल होता है उसको क्या कहते हैं सेंट्रिक, तो सेंट्रिक कब रिमूव करनी है आपको 14 डेज के बाद, ये अगर ये लो एड सीमेंट है तो 14 डेज के बाद, ओपीसी सीमेंट है तो 3 डेज के बाद एंड पीपीसी सीमेंट है तो 7 डेज के बाद। तो ये आपको क्या है सटरिंग असेंट्रिंग जो है वो आप रिमूव करनी है, लेकिन प्रॉप्स लेफ्ट अंडर उसके नीचे जो प्रॉप्स है या जो स्टेजिंग है उसको आपको एज इट इज रखना है, मतलब जैसे ही आपने सेंट्रिंग हटाई तुरंत आपको प्रॉप्स वापिस वहां पे लगा देनी, सेट कर देनी है, ये चीज का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। उसी तरह से अगर बीम और सॉफिट्स हो उसमें भी यही है कि अगर लोअर सीमेंट है तो 14 डेज के बाद इसको आप सेंटरिंग घटा सकते हैं, ओपीसी सीमेंट में 7 डेज के बाद एंड पीपीसी सीमेंट में 10 डेज के बाद इसको आपको सेंटरिंग उसकी हटा सकते हैं, फॉर्मवर्क हटा सकते हैं, लेकिन उसके नीचे प्रॉप्स रहनी चाहिए। अब रिमूवल ऑफ प्रॉप्स, अब प्रॉप कब हटानी है, आपने सेंटरिंग सेटरिंग घटा दी अब प्रॉप्स कब हटानी है, तो रिमूवल ऑफ प्रॉप्स अंडर स्लैब, अगर स्लैब के नीचे जो प्रॉप्स है वो कब हटानी चाहिए, अगर स्पेनिंग अप टू 4.5, अगर स्लैब की जो स्पान है वो 4.5 मीटर तक है तो लो एड सीमेंट में 14 डेज के बाद, ठीक है 14 दिन के बाद उसमें आप जो है स्टेजिंग या प्रॉप्स हटा सकते हैं, ओपीसी सीमेंट में 7 डेज के बाद एंड पीपीसी सीमेंट में 10 डेज के बाद। इसी तरह से स्पेनिंग ओवर 4.5 मीटर से ज्यादा स्पेन हो तो लो एड सीमेंट में 14 डेज के बाद स्टेजिंग हट सकती है, ओपीसी सीमेंट में 14 डेज के बाद और पीपीसी सीमेंट में भी 14 डेज के बाद स्टेजिंग हट सकती है या प्रॉप हट सकती है। अब रिमूवल ऑफ प्रॉप्स अंडर बीम, अगर बीम के नीचे है तो अगर स्पान अप टू 6 मीटर, 6 मीटर तक का स्पान है तो लो एड सीमेंट में 14 डेज के बाद आप स्टेजिंग या प्रॉप हटा सकते हैं,
ओपीसी सीमेंट है तो 14 डेज के बाद, और पीपीसी सीमेंट है तो 14 डेज के बाद। इसी तरह स्पेनिंग और अगर 6 मीटर से ज्यादा स्पेनिंग है तो ये लोअर सीमेंट में 14 डेज के बाद, और ओपीसी में 21 डेज के बाद, और पीपीसी में 21 डेज के बाद। तो देखिए अब जो डिफरेंस जो आपको समझना है वो ये है। देखिए ये तो होगी साइड साइड्स जो होगी या वर्टिकल मेंबर हो गए तो ये आपको रिमूव हो जाएगा। अब स्लैब है, स्लैब में देखिए 14 डेज के बाद, जैसे इसका अपन इसका ले लेते हैं ओपीसी सीमेंट का, तो स्लैब के अंदर अपने सेंटरिंग जो है ये फॉर्मवर्क का बढ़ा है 3 दिन के बाद, ठीक है। और उसी स्लैब में अगर 4.5 मीटर जो है अगर स्पान है तो कब हटाया आपने, 7 डेज के। तो देखिए ये तो आपने यहाँ पे अगर हटाया फॉर्मवर्क या जिसको सेंटरिंग कहते हैं, और 7 डेज के बाद क्या हटाया प्रॉप। ये जो डिफरेंस है ये देखिए, यहाँ पे स्टेजिंग रही तो स्टेजिंग कब रिमूव की अपने, 7 डेज के बाद। इसी तरह से बीम है, बीम में अपन ने क्या किया, सेंटरिंग जो हटाई है वो या फॉर्मवर्क कब हटाया, 7 डेज के बाद। लेकिन इसकी प्रॉप जो है वो कब हटाई अपन ने, 14 डेज के बाद, अगर 6 मीटर स्पान है तो, और 6 मीटर से ज्यादा है तो 21 डेज के बाद। तो ये जो डिफरेंस है यहाँ पे तो क्या हुआ, फॉर्मवर्क हटा, और यहाँ पे क्या हुआ आपको प्रॉप या स्टेजिंग हटी है। तो ये चीज का आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर आपने फॉर्मवर्क हटा दिया है या सेंटरिंग सर्टिंग हटा दी है, लेकिन अगर आपने प्रॉप भी तुरंत उसी समय हटा दी तो वो स्ट्रक्चर नीचे आ सकता है। तो क्योंकि वो जब तक स्ट्रेंथ लेगा तो इसलिए आपको वो प्रॉप्स अंदर रखनी चाहिए, इसके नीचे अंडर में रखनी चाहिए। तो ये चीज आप टेबल है इसको टेबल फॉर्म में आपको समझ लीजिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जब भी आप फील्ड में जाएं तो इसको अच्छी तरह से इसकी स्टडी करके जाएं, और कैसे करना है वो स्ट्रक्चर और कौन सी सीमेंट यूज करें उस हिसाब से इसको यूज किया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।